चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां ग्वालियर चंबल में अंचल सीमावर्ती राज्यों में छुपकर फरारी काट रहे बदमाशों को तलाशने के लिए पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अब इन राज्यों के पुलिस अधीक्षकों से पत्र व्यवहार कर उनके राज्यों के जिले में रह रहे बदमाशों की जानकारी मांगी गई है। पुलिस ने बदमाशों की सूची तैयार कर ली है। यह ऐसे बदमाश हैं जो ग्वालियर चंबल अंचल में वारदात को अंजाम देने के बाद फरारी काटने के लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिलों में अपने नात रिश्तेदारों और मित्रों के घर में छुपकर फरारी काट रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि लोकसभा इलेक्शन में यह बदमाश खलल डाल सकते हैं, इसलिए पुलिस उनकी खोजबीन में अब मुस्ताद के साथ जुट गई है। देखिए, जितने भी क्रिमिनल डेटाबेस है उसके आधार पे हमारे जो मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी वारंटी हैं या जो इनाम घोषित हुआ है जिन पर जो फरार हैं, उनकी सूचियां हमने सभी अपने विद इन मध्य प्रदेश शेयर की हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अन्य राज्यों के हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। उन राज्यों के संबंधित पुलिस अधीक्षकों को भी हमने सूचियां साझा की हैं, उनसे अनुरोध किया है कि इनके बारे में वो छानबीन कराएं और कोई जानकारी मिलती है तो उनको गिरफ्तारी में मदद करें। तो ये डाटा शेयरिंग लगातार इलेक्शन प्रोसेस में चलेगा, जिससे कि अपराधी क्राइम करके दूसरे जिले में रह रहे हैं या दूसरे राज्य में रह रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सके और इलेक्शन प्रोसेस में किसी प्रकार का व्यवधान न कर सके।